अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, ये उन सारे लोगों के डाउट को क्लियर करने वाला है जो बहुत परफेक्टली अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अच्छे से अफर्मेशंस बोलते हैं, अच्छे से विजुअलाइजेशन करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही परफेक्ट वे में करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। सो अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए है। मेरा जो भाई है ना, उसको बॉडी बनाने का बहुत शौक है, मतलब एक जुनून नहीं होता कि बस अच्छी सी बॉडी बन जाए। वो जिम जाता है, 3 से 4 घंटे अच्छे से वर्कआउट करता है परफेक्ट वे में। उसके बाद इतना थक जाता है, इतना बॉडी में पेन होता है उसके कि फिर सेकंड डे ना उसका जाने का मन नहीं करता। अच्छे से खाएगा पिएगा और फिर 2-3 दिन फिर से ब्रेक लेगा, फिर जाता है। और ऐसे करते करते ना उसको 1-1.5 साल हो गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि वो इतना परफेक्टली काम करता है ना 3 से 4 घंटे की, उसके बाद उसको इतनी थकान हो जाती है, पेन हो जाता है। सो फिर वो 2-3 दिन बाद जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। अब यहाँ पर गलती ना ट्रेनर की है। भाई वो तो जिम कर रहा है, परफेक्ट वे में कर रहा है, फिर भी बॉडी नहीं बन रही है। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि एक दिन गया परफेक्टली काम किया और उसके बाद गैप ले लिया। तो बेसिकली ये मेरे भाई की स्टोरी नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही थी। हम क्या करते हैं, एक वीडियो देखा, जोश आ गया, मोटिवेशन आ गया, और उसके बाद हमने उसको बहुत परफेक्टली किया और एक ही दिन में ना हम ये कोशिश करते हैं कि इतना काम कर लें खुद के ब्रेन पे। फिर पता है, जैसे बॉडी में पेन होता है, वैसे ही मन, जो मेंटल जो हमारी हेल्थ है, उसमें आते हैं रेजिस्टेंस। उसमें भी कभी कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा चैंट करने से सर में दर्द हो रहा है, अफर्मेशन चैंट करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह से जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे भी यही गलती हो रही है? आप बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हो, आप बहुत परफेक्ट वे में काम कर रहे हो, कहीं कोई कमी ही नहीं निकाल सकता, परफेक्ट अफर्मेशन, परफेक्ट मेडिटेशन, परफेक्ट विजुअलाइजेशन, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है आफ्टर 4 डेज 7 डेज 11 डेज, यू नो कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन नहीं रह पाती। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि माही दी, कंसिस्टेंसी भी अगर मेंटेन हो जाती है तो उसके बीच में आने वाला जो वो डेस्पिरेशन है, वो जो एक एंजाइटी होती है, उसका बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम होता है। तो आज के वीडियो में मैंने एक बार बहुत दिन पहले जो मेरा मंत्र है, यानी कि कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन, और इस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ। आप एक दिन जिम जाओ, आप हल्का सा वर्कआउट करके आ जाओ, अपनी बॉडी को सहते सहते ही हमें पेन देना चाहिए, वैसे ही आपका जो ब्रेन है, आप एक अभी बिगनर हैं या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ चुका है, लेकिन हम अपने ब्रेन पे इतना वर्कलोड डाल देते हैं एकदम से कि वो ना थक जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, मतलब कि ना हम थका थका महसूस करते हैं, हेडेक हो जाता है, और फिर ना सेकंड डे कुछ करने का मन नहीं करेगा, या 4-5 दिन कर लिया उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता, और यही 99% लोगों के साथ होता है और यही उनकी शिकायत होती है। मेरे एग्जांपल से तो अच्छे लगते हैं आप लोगों को, क्योंकि जो मैंने भाई का एग्जांपल दिया था ना, वो बस आपको ये समझाने के लिए दिया था कि आपके मन में ये जो एक वहम है कि भाई हम इतना परफेक्टली करते हैं और इतना अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जस्ट आस्क टू योर सेल्फ कि क्या आपकी कंसिस्टेंसी आपने कभी भी पूरे 1 मंथ तक मतलब कंटिन्यू की है? आपकी कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कंसिस्टेंसी टूट जाती है? एक दिन और मैंने एक हमारी बहुत पुरानी कहावत है, कबीर के दोहे, और हमने कितनी ऐसी चीज़ें बचपन में सुनी है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो हमारे टीचर्स हमें ये समझाया करते थे कि एक सॉफ्ट सी रस्सी भी अगर बार 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 एक सिल पर यानी कि पत्थर पर रगड़ती है ना, तो वो पत्थर पर भी निशान बना देती है। हालांकि रस्सी का जो नेचर है वो सॉफ्ट है और जो पत्थर है वो हार्ड है, तो यहाँ पर ये जो आपके थॉट्स हैं वो एक सॉफ्ट रस्सी है, आपके अफर्मेशंस, आपकी कमांड, आपकी सेल्फ टॉक, ये जो आपका ब्रेन है इसको एक पत्थर ही समझ लो अगर बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है। तो अब इसका सलूशन क्या है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं। देखो, मुझे एक इंट्यूशन आया है कि मतलब अगर आप लोगों की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है बीच बीच में, आप नहीं कर पाते, आपको पता है जब मैंने मॉर्निंग प्रैक्टिस कराई थी ना, आई थिंक हमारा मई में 21 मई को ख़त्म हुआ था बैच, मैं कहती हूँ इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देखे हैं मैंने होपोनोपोनो प्रेयर के, फॉरगिवनेस मेडिटेशन के, और यू नो सुबह सुबह हम लोग ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन किया करते थे, मैं बता नहीं सकती आपको इतने मिरेकुलस रिजल्ट मैंने देखे। तो अभी भी बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई बैच जो है लेके आओ, तो इस बार ना इवनिंग का पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा
इंट्यूशन आया कि क्या सिर्फ प्रैक्टिस बैच मैं लेकर आ जाऊँ जिसमें मॉर्निंग की प्रैक्टिस मैं करवा दूँ, यानी कि आपको, क्योंकि उससे ना एक हैबिट बन जाती है, और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि जहाँ आप थोड़ा भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ब्रेन आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए। जो लोग खुद से यानी कि बैचेस, क्लासेस या किसी भी ऐसे सेशंस में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग ना डेली चाहे थोड़ा सा एफर्ट डालो, अपने लिए आप एफर्ट डालो, आप थोड़ा थोड़ा ही सही, सहते सहते कहते हैं ना अपने ब्रेन को हैबिट लगाओ, यू नो कि आप एटॉमिक हैबिट वाली जो बुक पढ़ोगे ना, तो उससे आपकी एक न्यू हैबिट्स कैसे क्रिएट करें, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, परफेक्शन पर नहीं। मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाती हूँ, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, परफेक्शन पे नहीं। हमारा पूरा फोकस शिफ्ट होता है परफेक्शन पे, अच्छे से किया या नहीं, लिखा या नहीं अच्छे से। इतने डाउट्स आते हैं, यू नो मैं वेबिनार लेती हूँ कभी कभी, माही दी मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। तो अब मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिस लेके आऊँ, मैंने कहा सिर्फ प्रैक्टिस, यहाँ पर कुछ भी और इन्वॉल्व नहीं होगा, 5:30 हमारा टाइम रहेगा, 5:30 मतलब हम मॉर्निंग में, यू नो आप तो काफ़ी दिन निकल जाता है, 5:30 एक परफेक्ट टाइम होता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सब लोग जो है, जिसको अपनी ज़िंदगी बदलनी है वो 5:30 क्यों नहीं उठ सकता। तो 5:30 से और 6:15 तक हमारी प्रैक्टिस चलती है, 6:10, 6:15 तक। तो इसमें जो है बेसिकली हमारा फॉरगिवनेस, मतलब होपोनोपोनो प्रेयर और ग्रैटिट्यूड यहाँ पर, और यू नो ऐसी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, मेडिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिटेशन, मैं बिना किसी साउंड के, स्टार्टिंग में मैं साउंड के साथ प्रैक्टिस कराती हूँ, धीरे धीरे जैसे मुझे लगता है मैं उसको बिल्कुल यू नो ऐसे कर देती हूँ कि अब आप बिना किसी साउंड के ध्यान लगाओ, सिर्फ अपने आप को सुनो, और लोगों ने किया है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर खुद से नहीं हो पा रहा तभी, क्योंकि ना इतने सारे लोग होते हैं, शीट्स 500 होती हैं, जिनसे एक्चुअल में नहीं हो पा रहा, सिर्फ उनके लिए। बाकी तो मेरी एक एक वीडियो में मैं ये चैलेंज के साथ कहती, कोई नहीं कहता, हर इंसान ये जताता है हमेशा कि आप क्लासेस में आओगे ना तो आपको कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें मिलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको क्या फ़र्क मिलेगा, एक तो हीलिंग, दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा कंसिस्टेंसी। इसके अलावा जो आज मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ ना, नेक्स्ट डे मुझसे नहीं डाइजेस्ट होता, वो मैं तुरंत वीडियो में आके बता देती हूँ। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी जज करते हैं कि भाई आप जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते वो क्या करें, जो नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए मैंने सेल्फ लव मेडिटेशन बनाया हुआ है, होपोनोपोनो मेडिटेशन है, ड्रीम लाइफ वाला मेडिटेशन है, सेल्फ लव सीरीज है, स्क्रिप्टिंग की सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ईजी वे में क्लियर किया हुआ है, स्क्रिप्टिंग की प्लेलिस्ट आप चेक करो, मतलब हर एक चीज की लाइफ चेंजिंग वीडियोज वाली जो प्लेलिस्ट है ना उसको आप देखना, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। सो यहां पर बेसिकली ना लोग ज्वाइन करते क्यों है, क्योंकि कंसिस्टेंसी, ताकि उनके ब्रेक ना हो, बार बार करते हैं फेल हो जाते हैं, बार बार करते हैं फेल हो जाते हैं। और आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि बहुत बड़े बड़े लोगों का ये थॉट भी है और ये कोट भी है कि जब आप 4 मिलियनियर लोगों के साथ बैठते हो तो 5वें आप होते हो, यानी कि संग का रंग जरूर आता है, यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत इंसान के अंदर आ ही जाती है। तो वो जब सबका एक ऑरा बनता है, एक क्लास यू नो हमारी क्रिएट होती है, तो वहां पर ऑटोमेटिक आपको एक हैबिट हो जाती है, आप अलार्म लगा के सोना शुरू करते हो कि यार मुझे 5:15 बजे उठना है, 5:30 बजे से क्लास है, ये एक हैबिट बिल्डअप हो जाती है। और इस प्रैक्टिस को करते 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 जब आप 21 डेज तक पहुंच जाते हो तो आपको उसके बीच में ही चेंजेस दिखने लगते हैं। मैं कभी भी आज तक के किसी वीडियो में कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने कभी ये बोला हो फोर्सफुली कि आप मेरी क्लासेस में आओगे आपको कुछ अलग मिलेगा, आप मुझे ज्वाइन करोगे तो ही कुछ अलग होगा। मैं हमेशा कहती हूं क्लासेस में हीलिंग और कंसिस्टेंसी और एनवायरनमेंट, ये 3 चीज़ें अलग होती हैं, बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें एकदम मेरा जो है ना प्योर मन से सबको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है वीडियोस से सक्सेस स्टोरी नहीं आती, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, ऐसे नहीं है मेडिटेशन से, अरे सेल्फ लव वाला मेडिटेशन के कमेंट्स उठा के देखो आप, होपोनोपोनो मेडिटेशन के कमेंट्स उठा के देखो आप, वहां से उनको उन्होंने सुना है लेकिन कंसिस्टेंसी से तो उनको सक्सेस मिली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है वो मुझे ज़रूर बताना कि आप इस बात से कितना अग्री करते हो कि कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन। और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी भी लेके आई है जो इस बात से परेशान है कि इतना सब कुछ परफेक्टली करने के बाद भी क्यों रिजल्ट्स नहीं है। मैं सब कुछ अच्छे से लिखती हूँ, सब कुछ अच्छे से पढ़ती बोलती हूँ, अच्छे से सब कुछ कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, मैं हर एक चीज़ कर रही हूँ। माय डियर फैमिली, मैं आपसे फिर से बोलूँगी कि बहुत सारा वर्क लोड लेने से, बहुत सारा ब्रेन पे बर्डन डालने से आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो। अगर उसके बीच में, पता है बहुत, आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है, आप जोश में आके बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हो, टाइम टेबल बना लेते हो, उसके कुछ दिन बाद आपका मन हट जाता है,
आपको अच्छा नहीं लगता, आपका मन ही नहीं करता कि ये मैं चीज़ नेक्स्ट करूँ, मतलब लेजी फील होता है, अजीब सा लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन थक जाता है, यू नो, सारी एनर्जी तो यहाँ से पास हो रही है, जब ये थक जाता है ना, आपकी बॉडी में जान नहीं रहती। आपको मैं बताऊँ, मैं रात को अभी कल मैं 3:30 बजे तक जगी हूँ, क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम था और मैं थोड़ा कुछ काम भी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैं सुबह से बहुत एक्टिव हूँ, मतलब क्योंकि ये जब थकता है ना, तब इंसान लेजी फील करता है, तब इंसान बहुत ज़्यादा सुस्ती फील करता है। तो जब आप इस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड डाल देते हो, अब इनका कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इधर से नेगेटिव फिर पॉजिटिव, आप कभी अफर्मेशंस बोल रहे हो नेगेटिव, बैक ऑफ द माइंड साउंड चल रहा है कि आप बोल रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बैक ऑफ द माइंड यू नो बहुत सारे नेगेटिव थॉट चल रहे, तो इस वाली जो ये होती है ना एक रेस लगती है, तो वहाँ पर ये थक जाता है, 3-4 दिन बाद बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इससे बेटर है कि हम थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें और कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे आप दो ही चीज़ों को लेकर चलो, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ ओपनो प्रेयर को और सेल्फ टॉक को भी पकड़ा, तो आप उसमें भी जो चाहे आप हासिल कर सकते हो। ये मैं कह रही हूँ आपसे, बहुत सारी चीज़ें मैं जब काउंसलिंग लेती हूँ, जब उनको बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ, पता है वो लोग बस इतना ही करना है माही दी, हाँ भाई इतना ही करना है, मैं इतना ही बताती हूँ, क्योंकि वो जिन लोगों के पास से आए होते हैं वो उनको इतना सारा रूटीन दे देते हैं कि उनका पूरा दिन उसमें निकल जाता है। एक ने मुझे बताया था कि माही दी मैंने अब से पहले जहाँ से कांटेक्ट किया था वो इतना हैवी रूटीन उन्होंने मुझे दिया था कि मेरा पूरा दिन उसको फॉलो करने में निकल जाता था, और उसके बाद भी फॉलो नहीं कर पाती थी, और जब वो रह जाता था तो मन बहुत ज़्यादा परेशान होता था कि अरे आज तो रूटीन ही फॉलो नहीं हुआ। तो जितना ईजी रहोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ही जल्दी आप सक्सेस की ओर जाते हो। सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि, क्योंकि वैसे तो मुझे इंट्यूशन आया है कि हीलिंग क्लास के बारे में, मॉर्निंग वाली क्लास के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल हैं, और अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिखता है तो देन आई विल यू नो जल्दी ही मैं उसको अनाउंस कर दूंगी और जल्दी ही हम उसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन, हमेशा याद रखना, फिर से बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन। परफेक्शन, आप जो दृढ़ होके काम करते हो ना, मतलब दृढ़ निश्चय के साथ, वो आपके परफेक्ट किए गए कामों से भी ज़्यादा बेटर होता है, जब आप कंसिस्टेंसी आप तोड़ते नहीं हो। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, टेक केयर एवरीवन एंड